हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि यूपीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होने वाला है, और आप लोगों ने होप फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे जिनका प्री क्लियर हो चुका है, मेंस देने जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं एथिक्स का पेपर लेकर आई हूँ, क्योंकि एथिक्स ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इसको समझने में बहुत ही कंफ्यूजन होती है। इसमें एक ही ऐसा एक टर्म ऐसी होती है, इसमें जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस उसमें लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं जो एथिक्स करा रही हूँ वो बहुत ही इजी तरह से मैं कराऊँगी यहाँ पर, और मैं कोशिश अपनी रखूँगी कि जब तक आपका एथिक्स का पेपर हो मेरा ये एथिक्स का पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। और साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ के साथ जो जीवनियाँ हैं लोगों की वो भी साथ में यहाँ पर लेकर आऊँगी, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में मेरे वीडियोस को यूज़ कर सकें। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एथिक्स जीएस पेपर 4 का टॉपिक चल रहा था। आज हम शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठता, इसमें ऑब्जेक्टिविटी, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किस टाइप से पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जो लोग मेंस का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करा दिए हैं जीएस पेपर 4 से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, और आप यहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों से। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप डाउनलोड करके उसको रीडिंग लगा के एग्ज़ाम में अपना लिख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में समझाऊँगी कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है अभिवृत्ति का। यहाँ पर अभिवृत्ति में ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, ये सब कम्प्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे टॉपिक वहाँ आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे, आप पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता को मैं आज कंप्लीट करके नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक लेकर आऊँगी वो लाऊँगी सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्या होता है। तो आज के टॉपिक में वस्तुनिष्ठता हम कंप्लीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम आज देखेंगे वस्तुनिष्ठता होती क्या है, और क्या एक सिविल सर्वेंट वस्तुनिष्ठ हो सकता है, क्या 100% वस्तुनिष्ठता संभव होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधारभूत मूल्य क्यों होता है, वस्तुनिष्ठा को आधारभूत मूल्य क्यों माना जाता है, सिविल सेवा में इसे शामिल क्यों किया जाता है, इसके कारण जानेंगे हम लोग, और इसके समाधान जानेंगे कि अगर वस्तुनिष्ठा नहीं आ रही है किसी एक सिविल सर्वेंट में या फिर पूरे एक हमारा जो प्रशासन है उसमें, तो उसके लिए क्या क्या समाधान कर सकती है सरकार, हमारा प्रशासन, या हम लोग अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 4-5 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप यहाँ देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं इसमें अर्थ, वस्तुनिष्ठता होती क्या है, उसका अर्थ होता क्या है। जो वस्तुनिष्ठता शब्द है इसका प्रयोग जो होता है दर्शन में भी होता है, लॉ में भी होता है, और मेनली जो हम पढ़ रहे हैं एथिक्स नीति शास्त्र जैसे विषय में इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में लिया जाता है। अगर हम नॉर्मल कंट्रास्ट में बात करें कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, तो नॉर्मल शब्दों में हम वस्तुनिष्ठता को कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति कोई निर्णय करता है और उस निर्णय को करते समय वो सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल होते हैं, मतलब उसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं अंदर से उससे वो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। जैसे कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा होगी, उसकी कल्पनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसका पूर्वाग्रह, उसकी रूढ़ भावनाएँ और उसकी मान्यताएँ, इससे मुक्त होकर अगर कोई व्यक्ति निर्णय करता है तो उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ माना जाएगा। यहाँ पर इन सभी आधारों से मुक्त होकर निर्णय लेना इसके मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक है। इसका मतलब कि जो उसने पहले से ही, जैसे कि मैं एक एग्जांपल इसमें दे सकती हूँ कि
अगर किसी एक न्यायाधीश है वो महिलाओं के प्रति उसके अंदर पूर्वाग्रह है पहले से ही कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी होती हैं, बाहर के लिए इनकी कोई जगह नहीं होती, इस टाइप से महिलाओं के लिए उसको नेगेटिव पूर्वाग्रह है और वो किसी महिला के विरुद्ध किसी मामले को जज कर रहा है, तो उसके अंदर वो महिलाओं का एक पूर्वाग्रह होगा, वो रूढ़ भावनाएं होंगी और उसके आधार पर वो उससे रिलेटेड निर्णय अगर लेता है तो उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ नहीं माना जाएगा, बट वो अपने पूर्वाग्रह को एक साइड करके सिर्फ वो जो उस महिला के खिलाफ या उसके फेवर में जो तथ्य उपलब्ध हैं, तार्किक जो अवधारणाएँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर निर्णय लेता है तो वस्तुनिष्ठ निर्णय माना जाएगा। तो व्यक्ति को अपने विचारधारा को बीच में नहीं लाना चाहिए, उसके किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी के प्रति क्या विचारधारा है इसको नॉलेज में रखकर उसे कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, उसको कल्पनाएं बीच में नहीं लानी चाहिए, उसे का एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण होता है किसी चीज़ को देखने का उसको बीच में नहीं लाना चाहिए, वो आस्तिक हो सकता है नास्तिक हो सकता है, इस चीज़ों को बीच में नहीं आना चाहिए, वो ऊँची कास्ट का हो सकता है नीची कास्ट का हो सकता है, तो ये सब चीज़ें उसके मन में किसी भी निर्णय को करते समय नहीं आनी चाहिए। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होंगी, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं इसको और भी अच्छे से क्लियर करूंगी आप लोगों की, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक टर्म जो है वो क्लियर करनी है ताकि एग्जाम में आप उसे अपनी लैंग्वेज में पूरे अच्छे से लिख के आ सके। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के इसे आ जाएंगे और अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, बुकिश लैंग्वेज के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ मैं आपको गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या वस्तुनिष्ठता संभव है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल कंट्रास्ट में तो वस्तुनिष्ठता 100% असंभव मानी जाती है। अगर किसी को कहो कि तुम 100% वस्तुनिष्ठ हो सकते हो तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो उसका जो आरंभिक जीवन होता है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान वो गुजरता है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया में कई ऐसे मूल्य सीखता है जो किसी न किसी वर्ग समुदाय जाति राष्ट्र के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मनोवृत्ति पैदा कर देते हैं। मनोवृत्ति क्या होती है इसका मैं आपको वीडियो बना चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ देख सकते हैं जाके कि मनोवृत्ति मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल, तो वहाँ जाके समझ सकते हैं। तो कोई भी वस्तुनिष्ठ व्यक्ति 100% नहीं हो सकता, जब भी वो कोई निर्णय लेता है उसके आगे उसका वर्ग समुदाय प्रजाति राष्ट्र उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो भी नज़रिया है वो उसके निर्णय के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ये मूल्य जो है ये जो नकारात्मक और सकारात्मक मनोवृत्ति है ये धीरे धीरे संस्कारों के स्तर पर स्थापित हो जाती है और इनसे मुक्त होने की अत्यंत कठोर प्रक्रिया के बाद भी ये बिल्कुल 100% दावा नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति जो सचमुच तटस्थ हो गया है इनसे मुक्त हो गया है। जैसे कि एक ही मामले में जो विभिन्न न्यायाधीश हैं अलग अलग न्यायाधीश अलग अलग निर्णय पे पहुंचते हैं, मतलब कि जो हमारे पास साक्ष्य होता है जो तर्क होता है वो सेम होता है किसी एक केस के प्रति, बट न्यायाधीश का नज़रिया अलग होने की वजह से अलग अलग निर्णयों पर पहुंचा जाता है वहां पर। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि कहीं ना कहीं अपनी आत्मनिष्ठा से वो लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, वो लोग बिल्कुल अपने जो पूर्वाग्रह है रूढ़िवादिता है दृष्टिकोण है कल्पनाएं हैं उससे बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं और अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वस्तुनिष्ठता का अर्थ समझाइए और क्या वस्तुनिष्ठता संभव है, इस आप इससे क्या समझते हैं तर्क दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता आधारभूत मूल्य क्यों होता है, मतलब कि वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य मानने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहला और मेन रीज़न है एक समान नागरिक संहिता के लिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता ही ये सुनिश्चित करती है सिविल सेवक अपने कर्तव्यों का पालन सभी नागरिकों को एक समान मानकर और तटस्थ रहते हुए करे। अगर उसके अंदर वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं है तो उसके लिए अलग अलग नागरिक को वो समान नहीं मान पाएगा, वो नागरिकों में विभेद करने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें शक्तियों की गलत इस्तेमाल में कमी के लिए इस वस्तुनिष्ठता को
आगे रखा जाता है, क्योंकि सिविल सेवक होते हैं उनको बहुत सारी शक्तियां ऐसी प्राप्त होती है, विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। ऐसे में वस्तुनिष्ठता की कमी अगर उनके अंदर हुई तो वो उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल के लिए प्रेरित होते हैं और परिणाम स्वरूप किसी वर्ग को इससे लाभ या फिर किसी वर्ग को हानि उठानी पड़ सकती है। इस रीजन से वस्तुनिष्ठता आवश्यक है यहाँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैतिक दुविधा के दौरान निर्णय। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब सिविल सर्वक जो होता है वो नैतिक दुविधा के अंदर फंस जाता है, तो उस समय निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है, ताकि वो अपने तर्क और अपनी जो उसके अंदर मूल्य हैं उसके आधार पर निर्णय ले सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीतियों और योजनाओं के निर्माण के दौरान। नीतियों और योजनाएं जो होती हैं उनका जब निर्माण किया जाता है तो उसके दौरान जो लाभार्थियों को तर्क संगत रूप से चुनने के लिए कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक होती है। नेक्स्ट आवश्यक तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए इसमें आएगा, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट है वो जब अपने सेवा काल के दौरान अपने अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन भी उसे करना पड़ता है, जो उससे नीचे बैठते हैं, जो उसके कलीग्स होते हैं उनके जो कार्य है उसका निष्पादन भी करना पड़ता है। तो तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष जो मूल्यांकन होता है उसके लिए भी सिविल सर्वेंट को वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट घटनाओं की यथास्थिति आकलन के लिए, यहाँ पर जो भी कोई घटनाएं होती हैं, घटनाओं से यहाँ हमारा मतलब है जैसे कि सांप्रदायिक दंगे हो गए, धार्मिक उत्पाद हो गया किसी तरह का, तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठता की स्थिति के लिए सही आकलन के लिए निष्पक्षता बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होती है, तो इसके लिए वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में कानून को सभी पर बराबरी से लागू करवाने के लिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता एक सिविल सेवक को देश में कानून को सभी पर बराबरी में लागू करवाती है। वो ये नहीं देखता सिविल सेवक अगर वो वस्तुनिष्ठ है तो कि ये मेरे दृष्टिकोण से सही है तो इस पे ये कानून लागू होगा और मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है तो इस पे कानून लागू नहीं होगा, ये एक समान नागरिक संहिता पर बल देता है। लास्ट इसमें पॉइंट है प्रतिकूल परिस्थितियों में तर्क संगत रूप से सोचने और समझने की क्षमता। सिविल सर्वेंट एक ऐसी जॉब होती है सिविल सर्वेंट की कि वो कई ना कई परिस्थितियों में हमेशा घिरा रहता है, तो जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो तर्क संगत रूप से सोचने और कुशल और प्रभावी जो सेवा वितरण करने की क्षमता है वो वस्तुनिष्ठता के द्वारा ही उसके अंदर आती है। ये अपरिहार्य मूल्य है वस्तुनिष्ठता का। तो यहाँ पर आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा कि सिविल सर्वेंटों के लिए वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों होती है, इसे आधारभूत मूल्य क्यों माना जाता है। नेक्स्ट हम समाधान की बात करेंगे कि अगर हमारे प्रशासन में हमारे जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें अगर वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जा रही है तो उसके क्या क्या समाधान हम लोग दे सकते हैं या सरकार क्या कदम उठा सकती है। तो इसमें हम लोग मेन पॉइंट जो करेंगे कि चयन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सिविल व न्यायिक सेवा का जब चयन होता है तो उम्मीदवार की वस्तुनिष्ठता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे पता चल सके कि जो व्यक्ति है जो सिविल सर्वेंट के लिए अपीयर हो रहा है, जो एस्पिरेंट है, वो वस्तुनिष्ठ है या नहीं है। नेक्स्ट प्रभावी प्रशिक्षण, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ये यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट होगा, ये वाला अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे प्रभावी प्रशिक्षण। अगर चयन हो चुका है तो चयन के बाद जो प्रशिक्षण होता है वो भी इतना प्रभावी होना चाहिए कि अगर व्यक्ति जो वस्तुनिष्ठ नहीं है तो उसके अंदर वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण अपने आप ही व्यापक हो जाए और बिल्ड हो जाए वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना। प्रतिनिधि जो नौकरशाही है या प्रतिनिधि जो न्यायपालिका है वहाँ सभी वर्गों को विशेषता
अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर हिस्सेदारी दी जाती है तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का मतलब ही होता है सभी को समान एक समान रूप से देखना। तो जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही कहीं भी नगर पालिका हो, सिविल से जो सिविल सर्व पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप में जो जॉब्स हैं, नौकरशाही की जॉब्स हैं, कोई भी जॉब्स हो उसमें उनकी प्रॉपर हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे ही महिलाओं को व्यापक हिस्सेदारी देनी चाहिए। महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है, इस वजह से उनको भी अच्छा अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, महिलाओं से जुड़े मामले महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति में ही होने चाहिए। उन महिला से जुड़े भी जो भी मामले हैं वो महिला न्यायाधीशों के बेंच द्वारा ही देखे जाने चाहिए, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ी होती है, उनके दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। पुरुष महिलाओं की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, इस वजह से वो जब भी कोई निर्णय लेंगे तो वो वस्तुनिष्ठता उनकी संदिग्ध मानी जाएगी, क्योंकि वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं से जुड़े मामले महिला न्यायाधीशों को ही देखने चाहिए। तो जो तटस्थ निरीक्षक द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता होती है। जैसी जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करना वस्तुनिष्ठता होती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने इसे अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं जल्द से जल्द आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आ सकूं। सक्सेस मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। मेरा चैनल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अभी हम UPSC मेंस का टॉपिक लेकर आए हैं। जुलाई में सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक तैयार किए हैं, ताकि आप कम टाइम देकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें माइंड में अपने। तो और भी लोअर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगी। तो साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।